आगे का पूरा भाग ही नीचे बैठ गया है, मेन हैंडल ही टूट गया है। ये देखो यहाँ से कहाँ ले बैठी इलेक्ट्रिक बाइक। बोलू चीख चिल्ला चिल्ला के रोलू। गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशी शिवाय व्लॉग्स में। तो नहाली बट सुबह से अपना फेस नहीं देखा। नहाने के बाद काम कर रही, कपड़े इतने सारे थे ना, 3 बाल्टी कपड़े थे, मतलब एक बड़ा टब भर के सब कपड़े धोए। फिर रात में इसने ब्लैंकेट पे 2 बार सुसू कर ली, तो ब्लैंकेट भी सूखने डाला है, फिर टॉवल्स वगैरह भी, फिर टॉवल वगैरह हो तो ना कल अच्छे से धोना पड़ेगा ये कपड़े सूखेंगे। फिर काम तो सब हो गया है, पूछे हैं तो खाना बनाने, मतलब खाना खाने के बाद क्या काय की सब्जी बना रहे हो? पहले इधर देख के बोल, दाल की इधर बैठू। मैडम दाल की सब्जी बना रही है, हमारा खाना तो अभी रोटी बन गई है, सब्जी भी पक रही है, आलू लौकी चने की दाल की सब्जी जो कि इधर बन रही है। हमारे सत्यम भैया को बहुत पसंद है और सत्यम भैया को इसके साथ में पसंद है मीठी पूरी। आओ माता बीच में मत बोला कर, साथ में सत्यम भैया को पसंद है मीठी पूरी और चने की दाल की सब्जी, बहुत खाते हैं सत्यम भैया। तो बड़ा लाइट बंद कर देती बस। फाइन मैडम अंदर रेडी हो रही है। बस ना यार प्रिंसी चाड़ दाल तो बन जाता होगी सब्जी। चने की दाल ऐसे तो ठंडी होने पे गाड़ी हो ही जाएगी। बंद कर देती हूँ एक बड़ा बॉइल लेके। किसको किसको चने की दाल पसंद है? मेरे को तो इतनी अच्छी लगती है चने की दाल, उड़द की दाल, पिचोटे की दाल, मतलब सब दाल मिक्स, वो बहुत अच्छी लगती है हमको तो। ये सारी सब दालें ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जियों से ज़्यादा। ला भाई मैं भी ज़रा मुँह पे तैयार नहीं यार, फिर हो जो कैसी दिख रही मेरे बावली। वो तो घड़ी घर में कपड़े पड़े हैं, देखो ना इधर से बेडरूम में रेडी हो जाऊँगी। और अभी ना मेरा फेस इतना क्लीन क्यों हो रहा है क्योंकि मैं लगा रही हूँ अभी सिर्फ ये वाला पॉन्स लाइट क्रीम मॉइस्चराइजर, बेस्ट है। जेल फॉर्म में नहीं है, मॉइस्चराइजर क्रीम फॉर्म में है। ये लगाती हूँ ना तो मतलब फेस पे पिंपल वगैरह भी नहीं हो रही है और फेस एकदम क्लीन हो जाता है। कुछ भी कितनी भी हैवी रेडी हो जाओ सिर्फ ये लगाती हूँ और इसके ऊपर नॉर्मल अपना स्पिंच बीबी पाउडर लगा लेती हूँ और लिपस्टिक लाइनर रेडी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आ गई कि आ रही है? चल मैं करवाती चल। हे गाइस तो खाना वगैरह खा लिया, सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना कि क्या ही बताओ। आज तो पेट भर के खाया, इतनी सब्जी बनी थी उसमें से इतनी सी बची। और अभी ब्लॉगर की डिमांड है मेले में जाने की, मेले में जाके पॉपकॉर्न खाना है मैडम को, तो उसके पापा बोले मम्मा घर बना देगी, बता अच्छा मैंने ले ली थी इधर बन रही। अरे 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 ओए चुईया रख दे उसको, प्रिंसी रख नागी, देख पॉपकॉर्न फूट रही, देख आवाज़ ही पट 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 पट, देख इधर से देख गिर रही है। ओए उल्टे काम की दुकान, पॉपकॉर्न नहीं दूंगी याद रखना, बनने दे अभी। हे गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:15 और मैं इतनी देर से ब्लॉग क्यों शूट कर रही हूँ? मैं ना साफ सफाई में भिड़ गई थी, मैं सोचा साफ सफाई कर ही लेती हूँ, घर के फैन बहुत ज़्यादा गंदे हो गए तो मैंने सोचा साफ कर दूँ। और करने लगे मैं बेडरूम में ही और ऐसे ही लाइट चली गई, ये वाला फैन रह गया है, बाकी सब दुर्गे साफ हो गए हैं, बाकी सब दुर्गे जाले झटके हैं। और पता है यहाँ से ना पानी आता है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है, सुबह ही साफ़ किया और देखो मेरी अलमीरा पे पानी ही पानी है। क्या करना है, रखने की जगह ही नहीं है इसको, इसको अगर उठा के बेडरूम में रखती हूँ वाले मंदिर वाले रूम में। ए फिनाइल का पानी है, मोबाइल इसके हाथ धुला अच्छे, पायल इसने पूरा अब मुंह में डाल दी हाथ, पायल पकड़ इसको।
प्रिंस मार, इनने पूरे कोनी तक के दोनों हाथ डुबाए हैं, पकड़ इसको ले जा बाथरूम में, ले जा बाल्टी भरी है, देख मुंह पे हाथ लगा रही। मैंने आज अच्छा फिनाइल डाला है कि घर में ऐसी मक्खियां चली जाए, पूछे लोग में। जब मैं अच्छा काम करने बैठती तब लाइट चल जाती और काम खत्म होता फिर ही लाइट आती। जैसे सब दूर के जाले झटका गए, ऐसे तो सब दूर के हो गए थे, सिर्फ यही रूम मचा था और लाइट चली गई थी, तब आलसी आ रही है पोछा लगाने के लिए और लाइट है। हाथ दर्द करने लग गया मेरा पंखा साफ करके। बस ये वाले रूम का अब गंदा है तो इसको मैं खुद ही चढ़ के साफ कर लूँगी। 4 बजने में आ गई, ये भी तो बर्तन पड़े हैं, पोछे लगा के बर्तन पे भिड़ो। रोन दे छोड़ दे, गलती उसने करी है, पानी पूरा फिनाइल का है, भयंकर स्मेल आ रही है स्ट्रांग वाली, और ये है कि उसमें हाथ डाल रहे थे। अच्छे घड़ी करने के कपड़े पड़े प्रिंस इनके से फैला दिए इनको। ये देखो ना बाल्टी भी ला के रख दी, इधर पोटली जलाने की पड़ी है, कितना गंदा हो गया। क्या मासी गोद में उठाएगी, नहीं तो मैं आधे रास्ते में से वापस आ जाऊंगी। 4:30 बजे और ये ना दम नहीं ले रही है, इधर जाओ, ये ना दम नहीं ले रही है, दुकान चलो दुकान चलो दुकान चलो, बड़ी मुश्किल से बैठी थी, सब हाथ दुख रहे मेरे काम करके। बाहर के जाले तो रह ही गए, पोछा लग गया फिर याद है, मैं कल सुबह झाड़ू निकालूंगी तो झटाई दूंगी लगा तुम्हें। आज अच्छा बारिश नहीं हुई, सुबह हल्की सी कपड़े धो के डाले थे तब हुई थी, उसके बाद में तो हुई नहीं, कपड़े अंदर रख दिए। हेयर कॉम करना है अभी मेरे को, कर लूँगी हेयर कॉम। अच्छा हुई चली जाए, क्या है पीग है पीग भाई, ये काट भी लेते हैं पीग है। ओए क्या लेगी, इधर देख क्या लेगी, और मम्मा मैं ले जाऊं। हाँ हे गाइस, सो अभी टाइम हो रहा है 8, इधर ये टिंडा मैडम सो चुका है, रो रो के सोई है। तो कोई ये नहीं समझ में आता कि ये कुछ बोलना चाहती है तो क्लियरली क्यों नहीं बोलती है, कुछ भी चाहिए रहेगा रोना, कुछ भी बोलना है रो रो के बोलना है, कुछ भी खाना है रो रो के। एक तो ऐसा ही वेट कम हो जाता है और सब मेरे को बोलते हैं कि तुम बच्चे का ध्यान नहीं रखती, जो मांगती वो देती हूँ, फ़ोन मांगती फ़ोन भी देती हूँ, उसमें भी मोबाइल बंद कर देगी और रोना, कुछ और लगा देगी और रोना, मतलब इतना रोती, पानी भी पीना चाहिए, मतलब ऐसी रोती है। सब मेरे को बोलते हैं प्रूफ के तौर पे पायल है बता सकती है, मेरे को परेशान करती है ना तो मैं उसको बोलती हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूँ। हमारी कमर आ जाती है तो सफाई कर रही, तो आप डब्बे डुब्बे अलग मसना ही है घर की, भगवान आप ऐसे निर्धारित, बस खाना खा कर सो जाऊँगी, अब मैं नीचे सो गई हम भी सो जाऊँगी, खाना ले तू दाल चावल दो। मासी जा रही, देख पायल जा रही उसके घर चप्पल पहन के जा रही, देख वो पायल देख चप्पल पहन के जा रही, देख तो पायल जा रही है उसके घर, वो भी चप्पल पहन के जा रही है। प्रिंसिन बोला था तू जाता रही है चप्पल पहन के जाना, प्रिंसिन ने उसको बोला था चप्पल पहन के जाना, वो बेने ने बिना चप्पल के मत जाना, हाँ चप्पल पहन के जा रही, वो देख देख चली मासी, देख देख वो देख मामा जा रहा, देख देख गई, देख सही में जा रही। फिर तू बोलना मत कि मम्मा मासी कहाँ है, नहीं देखना मासी से बात करनी दी पायल को, एक जाते जाते पट्टे से हेडशॉट, देख गई देख देख गई देख सही में जा रही बेटा, देख वो गई। फिर किसको बोलेगी कि माछी घुमाने ले जाओ, मेरे लूंगा मत छो, चार्जर रखा पाए, हाँ देख जा रही बेटा सही में जा रही, देख गई देख, नई बात करना है।
तू जाएगी फिर सुबह पूछेगी मम्मा माछी तां दे, ओ मासी तुम्हारी बिल्ली बताओ तू नाला कहाँ है, देख मासी की नाला देख ये रहा देख ले। पिंछू है ये छोटी सी प्रिंसी है पायल की बिल्ली है ना, पायल ने इसका नाम पोंसा रानी रखा था बट वो राजा निकला रानी की जगह है ना पिंछू दीदी। बाय मासी और आना जल्दी आना, आप मौसी अपन कब मिलेंगे, शादी के बाद राखी पे अभी तो यहीं पे। हाँ बाय बाय। गई बेटा माछी गई, माछी छछुराल वाले आएंगे कपड़े करने ले हट गेट लगा, गेट लगा रही बेटा तू तू घुस जाएगा अपने घर नहीं घुसेगा। हे गाइस सो हम देख रहे हैं आज पुराने ब्लॉग, पायल तो चली गई है तो प्रिय रो रही थी मम्मा बाबू पास जाने मिला, देखो पुराने ब्लॉग और प्रिंसी को देखो इसमें देखना हो कैसी देखेगी, इधर शिवाय बना रहे हैं पूरी किस किस ने ये ब्लॉग देखा है कमेंट में जरूर बताना, हमारे पहले के ब्लॉग बहुत अच्छे आते थे। देखो प्रिंसी कैसे देख रही है इसमें आओ तेरे डेडा ने बंद कर दिया। चलो चलो मैं तो नाइटीज में जा रही हूँ, इनको तो देखो नाइटी में चलू आओ तो क्या कहीं कहीं सिंगार करके नहीं हो अच्छी नहीं लगूंगी, पहले टमी निकली अब टमी दिखती इसमें से। चलो आहो यही जाना है, यही जाना है ना इसके ठिकाने नहीं, आहो मेरे को दो मिनट चेंज कर ले दो, आपके जीजू ने इतने वो है ए? तब चेंज करके क्या करूंगी मैं, बाल भी नहीं ठीक से करने दिए कहीं नहीं, चलो ये लड़की भरोसा नहीं कहीं भी लेके निकल जाएगी, वो तो शिवाय तो टिप टॉप है मैं, प्रिंसी ऐसे भूते बावले चल रही है चप्पल भी नहीं मिल रही और मैं आज और ए रुक जा जरा उसके बाल बांध लेन दो मेरे बांध लेन दो क्या बंदर। हे गाइस सो फिलहाल ये जिद कर रही है, मैं तो उठी छुट्टी जा रही हूँ और वो भी उठी छुट्टी ही जा रही है, इसको थोड़ा सा घुमा के उसकी दिला के लिए आ जाए, दाल अच्छी गरम कर ली थी खाने के लिए, शायद बोले खाना लगाओ भूख लगी बट क्या करे इसको लेके जाते हैं। हे गाइस सो हमारी गाड़ी ना पंचर हो गई है एकदम से और इसको मैडम को पीना है लस्सी और यहाँ पे कोई भी सुधारने वाला नहीं, और इधर के सुंदर कान वगैरह ठीक हो रहा होगा पता नहीं, गाड़ी का अगला टायर पंचर हो गया है, हम घर जाने की सोच रहे हैं और ये मैडम को क्या चाहिए इसको लस्सी पीना है, जो से पहले पता नहीं था कैसी चल रही फिलहाल तो शिवाय गए हैं देखने के कहीं पंचर जोड़ने का मिल जाए, पिछला टायर पूरा पंचर जैसा होगा, शिवाय बोले आगे का है बट नहीं पीछे का है और वो गाड़ी बिल्कुल भी चल नहीं रही है, तो गए देखने जब तक हम जाते हैं पास में लस्सी की दुकान है इसको बिठा के लस्सी पिलाती हूँ, गोला नहीं बनवाना है सिर्फ लस्सी पी लेना और चल देना, वो गोला नहीं बनाएंगे, मैं रुमाल नहीं लई हूँ, मैं लस्सी नहीं पीऊँगी, मैं भोजन करके आई हूँ। हाँ तो फिर चल घर चलना है घर।
हाँ तो फिर चल। ऐसे इधर फिलहाल प्रिंस का गोला आ गया है, सुंदर सुंदर सा गोला मिला है आज तो, लाडो को ब्लू कलर मिल गया है। रेड येलो और ब्लू। कैसा लगा? अच्छा लगा खा ले। ये देखो ये पूरा चिपक गया और ये टूट के गिर गया गाड़ी से। हम समझ रहे पंचर है, हवा कम थी बट ये टूट के नीचे हो गया। क्या है? आहो यार इसकी तरह सा लग कुछ चाहिए। यहाँ गाड़ी खराब हो गई है, पूरा चिपक गया इसमें। यहाँ गाड़ी खराब हो गई और इसको कुछ चाहिए नहीं जा रहा इसका। पापा मारेंगे। हो चल उधर नीचे, एक चीज लेना कि ज्यादा मत लेना, यही रुक में लेके आती। अभी तो चुप रहे है, दिमाग खराब हो चुका है हमारा। गाड़ी को भी यही लगा कर जाएंगे दुकान के पास। साका वगैरह क्या है वो टूट गया है और टूट के नीचे गिर गया है। अब गाड़ी चल रही थी एक तो जाम चले, शिवाय बोले मैं लाया जब तक अच्छी थी, घर ला के रखी अच्छी थी और जाने लगे। देखो ना आगे का पूरा भाग ही नीचे बैठ गया है एकदम से, वो पूरा उसके मरघाट पे टच हो गया। इधर ला के कर लो उसको, पूरे नीचे ही बैठ गई बॉडी। ये यहाँ टूटी जाएगी पूरी नीचे जा जाएगी। मत कही मत करो, गई वो पूरा नीचे टच होने की करना, टच होने की कर रहा है वो। किस्मत ही खराब हो ऊपर। ये मामा आ गया। क्या हो गया तुया? क्या ले? क्या हो गया? जा गया, इसको नीचे उतारो लाद को पहले। पीछे देखना गाड़ी तो। हाँ ये इसको उठा, ये देखो कितनी स्क्रैच लग गई। वो वहाँ से यहाँ रखने में तो वो हो गए। गाड़ी का बोल रहे साकप टूटा, ये टूटा, वो टूटा। आखिरी में देखा तो बताओ मैं क्या टूटा? मेन हैंडल ही टूट गया है। ये देखो यहाँ से क्रैक पाइप में, तो गाड़ी ने तो बैठना ही है। और इसके बीच के नहीं लगता ये जुड़े हैं। ए तो क्या होगा? वह भंगार में तोड़ना है और क्या होगा? अब वही आखिरी ऑप्शन सही में रियल में भी। नहीं बाबा एक दिन 1,35,000 दिए है गाड़ी के। मैंने उस दिन भी बोला था, जिस दिन गाड़ी ली थी ना उसी दिन बोला भी था। हे गाइस इतना बुरा टेंशन आया है ना मेरे सर पे कि मैं क्या ही बताऊँ। अब टेंशन टेंशन टेंशन, पहले तो टेंशन बोल रही थी तो कुछ भी नहीं था, ये टेंशन इतना बड़ा है ना। एक तो गाड़ी गई है, अभी अभी फ्री हुई है गाड़ी, मतलब इंस्टॉलमेंट से ली थी फ्री हुई है। 2-3 महीने 4 महीने निकले और ये टेंशन क्यों नहीं माथे पे आए। अब उसको रिपेयर करवाने में क्या मालूम कितना क्या लगता है, मैं बोलूँ पड़ी रहे जान दे कहीं नहीं करवाना रिपेयर। ऐसा फट रहा है मेरा सर गाड़ी के वो सुन के। कहाँ ले बैठी इलेक्ट्रिक बाइक, सोचा था अच्छी होगी अच्छी होगी, बट वो चली तो ऐसी चली ना कि सदा। तू तो बोले ही मत यार, मेरा सच में सिर इतना फट रहा है ना, इसको अभी मिक्सर भी याद आएगा, सब याद आएगा। वहाँ जाके बैठी भाभी पास जरा, मेरे को मिक्सर खाना है, मेरे को मिक्सर ला के दो, मेरे को आइसक्रीम खाना है, मेरे को मोटू पतलू खाना है, मेरे को पानी पूरी खाना है। ऐसा सिर घूम रहा था ना कि दो दो में खींच के, फिर मिंदी एक चाटा खींच के उसको ऐसे सुसु करके पूरे घर में घूमती है 4-4 घंटे, चट्टी नहीं बदलाती। और वहाँ जरा जाके बैठी सुसु कर ली, मच्छर काट रहे, दूसरी टी शर्ट पहना दो, चट्टी चड्डी निकाल दो, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। शांति से मतलब मैं बैठ नहीं सकती हूँ। इंसान जब परेशान हो ना तब तो ज़्यादा परेशान करना सोचता है। सही में यार ऐसा खोपड़ा कर रहा नहीं दिमाग की फोड़ लूँ मैं, नहीं तो रोल सच में तब पूरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। जुलाई हमारा सबसे ज़्यादा गंदा गया, क्यों आहो? ये जुलाई हमारा इतना गंदा गया साला, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक दिन ऐसा पहाड़ जैसा जा रहा है। आज का दिन भी देखो ना कितना बड़ा गया,
साला हम 10:30 बजे सो के उठते फिर भी दिन बढ़ा जाता है क्या? अभी चुप हो जा बहन, तो अब भी दूध ना दाल चावल खा के बैठी है, मत तराज दे। ये औलाद ऐसी मुंह में दूध की कटोरी लगा एक घूट पिएगी, बस रख दो रख क्या आगे बैठे, दूध बना दो। ये पागल नहीं, रात में भी यही चलता मेरा तो ना, खोपड़ा खराब हो रहा, मन कर मार दूँ इसको अच्छी खासी। दाल भापू खाना एक चम्मच खाएगी, ठंडे है नहीं गर्म है, गर्म है नहीं ठंडा करो, ठंडा करो बोलती और गर्म करके लाओ, फिर मैं देती चट्टा करती खींच के। सही में आ रहा था दिमाग खराब हो रहा गाड़ी के बदले, और बीच खराब होना थी उसको भी। जुलाई बहुत ज़्यादा गंदा है हमारे लिए, हद से ज़्यादा गंदा गया ये महीना। किसके किसके लिए जुलाई, किसके किसके लिए जुलाई में मंथ खराब गया है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे लिए तो हद से ज़्यादा गंदा गया जुलाई, बहुत मतलब क्या ही बोलना यार। जो दिन नहीं देखे थे ना वो दिन भी आज देखने को मिल रहा है जुलाई में। हर एक चीज़ हर एक सिचुएशन फेस कर रहे हैं हम जुलाई के मंथ में। फिर क्या दुख रहा है तो अभी जुलाई क्या तारीख क्या हो गई, 30 हो गई नहीं, कल का दिन और बाकी है। कल और क्या खबर सुना था जुलाई यही नहीं मालूम, रोज़ एक खबर सुनने को मिल रही, इतने दिन के जब से रोज़ एक एक खबर सुनने को मिली है जुलाई में। जुलाई हमारा इतना बेकार गया, एक दिन भी अच्छा चले जाए तो क्या बात, गया भी होगा शायद ही गया हो एक दिन भी अच्छा, सारे दिन बेकार गए सारे दिन, आधा दिन अच्छा जाता और आधा दिन खराब, एक दिन सुबह से खराब हो जाता एक दिन रात में। मन कर रहा सच्ची में बोलूँ चिक चिल्ला चिल्ला के रोलूँ, सच्ची में ऐसा दिमाग हो रहा हो मेरा तो।